बहिरंग योग में कुछ योग की क्रियाएं हैं उनको थोड़ा बता देते हैं। कल भी बताया था, आज थोड़ा संकेत दोबारा से कर रहे हैं। तो कपाल भाती करते रहिए और बहिरंग योग में बहुत रुचि है लोगों की। जो क्रिया प्रधान होता है उसमें अक्सर मन थोड़ा जल्दी टिक जाता है, तो जो थोड़े सबल हैं वो मेरे साथ कर लेना, और जिनकी उम्र 50 के आसपास है या उससे ऊपर है तो कपाल भाती कर लेना। तो जो जवान है वो मेरे साथ कर सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार। श्वास को भरा, पीछे चले गए, श्वास को छोड़ा, आगे आ गए, माथा घुटनों से लग गया, दाहिने पैर पर बैठ गए, ऐसे फिर ऐसे उठ गए, खड़े होकर के या कोई तमाशा थोड़ी देखने आए, कर लो जैसे बाबा कर रहा है, फिर भी फिर बायां पैर आगे, फिर दाहिना आगे, फिर ऐसे और ऐसे, फिर से एक बार देखिए, श्वास अंदर भर के हाथ पीछे, श्वास बाहर छोड़ के आगे, फिर दाहिने पैर पर बैठ गए, फिर दाहिने पर पीछे, फिर झुक गए, फिर उठ गए सामने से, फिर पीछे, फिर बायां पैर आगे, फिर दाहिना, फिर हाथ ऐसे पीछे, फिर दोनों हाथ सामने। अब इसको आप कितनी बार कर सकते हो? इसको आप 25-50 बार से लेकर के 100 बार तक कर सकते हो, तो आपका पूरा शरीर एकदम सधा हुआ हो जाए। अब अगला अभ्यास कराते हैं, जवानों के लिए, जिनको जंघाओं को भुजाओं को बहुत खूबसूरत बनाना है ना, वेद का मंत्र बोलिए, अस्मा भवतु नस्तनोः, बोलो अस्मा भवतु नस्तनोः। वेद भगवान कहते हैं हमारे शरीर वज्र की तरह होने चाहिए, बलम उपासना, बोलिए बल की उपासना करो, नायम आत्मा बल ही नहीं लभ्य। चलो अगला अवसर, अब सुंदर बनना है ना आपको, ऐसे पूरी ताकत ऐसे लगाओ, श्वास भर के ऐसे ऐसे टाइट कर दे पूरे शरीर को, कहीं जिम जाने की जरूरत नहीं। तीसरा ऐसे ऐसे 5-5, 10-10 बार कर लेना रोज, एक श्वास में एक अभ्यास से। भैया देखो अब हम अखाड़े में आ गए, और वो भी झूठा अखाड़े में, भैया अखाड़े में तो दंड बैठक ना लगे तो अखाड़ा कैसा महाराज। तो चलो अब आज सबको अखाड़े में उतार दिया है, फिर ये दूसरा था, फिर तीसरा क्या है, पहला साधा ऐसा, फिर ये दूसरा ऐसा, तीसरा ये राम मूर्ति, तो मेरे पहलवान इधर कैसे ऐसे आगे आए, ऐसे पीछे, ये ऐसे ऐसे। अब 2-3 बार से ज्यादा मत करना पहले दिन, नहीं तो फिर दुखेंगे। तो सबको लगता है जंघाएं भुजाएं पूरा शरीर ना ऐसे मजबूत होना चाहिए, 1-2-3 ऐसे, फिर और खूबसूरत बनाना है। तो पहले तो किसी के साथ मुकाबला हो तो ताल ठोकते थे, वो राजा तेरी माँ ने दूध पिलाया है, चलो अब दूध तो पिया ही नहीं, कोका कोला पेप्सी पी रखी है, चलो ऐसे ये ऐसे और ऐसे, आधा तो सब कर सकते हैं, तो ये आधे वाला, ये आधे वाला, एक एक शरीर के मांस पेशी ना फूल की पंखड़ियों की तरह खिली हुई होगी ऐसे, ये फिर ये वाला ऐसे, सबको बहुत बलवान होना चाहिए, गृहस्थ हो या सन्यासी, वैसे गृहस्थ को तो सन्यासी से भी ज्यादा बलवान होना चाहिए। फिर ऐसे, इनका नाम ये हनुमान बैठक, अभी दंड बाद में आएगी, हनुमान दंड बैठक है, तो ये हनुमान ऐसे हनुमान, चलो भाई हनुमान चालीसा सुना दो पंडित जी महाराज, बोलो बजरंग बाली की जय, हनुमान जी महाराज की जय।
अब जय जय बोलते रहते हो, हनुमान जी की तरह दंड बैठक तो लगाते हैं। कितने बलवान है देखो, श्री गुरु चरण सरोज रज तेज मन मुकुर सुधार। बैठो मेरे साथ साथ कर। रघुवर विमल जसो जोदायक फल चार, बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बलबुदि विद्या देहु मुए हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलि धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विष्णु वज्रंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानने कुंडल कुंजित केसा। हाथ बजे और खजा विराजे, सांधे मूज जने हूँ। ये नाम ही इसका हनुमान दंड था जो भी कर। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता बनवसिया। रघुपति कीनी बहुत बनाए, तुम हम प्रिय भरते सब बदन। तुम्हारो जस गावे अस के श्रीपति कंठ लगावे। ये तो चक्रदंड था, अब पलट दंड। हनुमान जी बनाना पूरा सबको। आजकल बच्चों की भी हनुमान जी और भीम के बड़े प्रसिद्ध हीरो हैं। देखो सनकादि की ब्रह्मादि मुनि का, नारद सारद सहित यही सा। यम कुबेर दिग्पाल जहाते, सभी को विधि कैसे गए कहाते। तुम्हें उपकार सुग्रीवई कीन्हा, राम मिलाए राज प्रतिनिधा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन परिभानु, लीलो ताए मधुर फल जानु। मुद्रिका मेल मुख माही, चल दिना की गए अचरज नाही। अब ये दो लास्ट वाले तो सबको करने पड़ेंगे। इसलिए अब सर्प दंड और मिश्र दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम द्वारे तुम रखवारे, भूत न आज्ञा बिन पैसारे। तुम्हारे शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन देश संवारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। तीनों लोक हाँकते कांपे, तुमसे भी कांपना चाहिए। चलो लास्ट इसका मिश्र दंड, ये तो सब कर सकते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज शकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फली पावे। चारों जुग परिताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। आप भी गा लो हनुमान चालीसा ही गा लो। ऐसे बना अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस्वर देन जान के माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी।
को भावे जन्म जन्म के दुख बिसराए अंत काल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाए और देवता चिंतन धरहे हनुमत से सर्व सुख कर संकट कटय मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय जय हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाही तू सतवार पाठ कर जोए छोटे बंदी महासुख तो ये पढ़े हनुमान चलेगा हो सिद्धि साक्षी गौरेगा तुलसीदास सदा हरि तेरा जय नाथ हृदय महेरा पवन धने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित रे बसौ सुर बोली हनुमान जी महाराज की जय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। तो सुबह उठ करके ऐसे अपने महापुरुषों को स्मरण करो और जैसा वो जीते थे ऐसे खुद जियो। ये एक चरण हुआ, अब अगले चरण में ले चलते हैं। अभी पंजाब प्रांत के बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं, दलित परिवार में पैदा हुए हैं, पल्लेदारी करके यहां तक पहुंचे हैं। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद लेने के लिए आए एक बार जोरदार भनेंद्र भाई विजय सांपला जी का, जो होशियारपुर से सांसद भी हैं और महाराज जी हिंदुस्तान में और दुबई तक में जाकर के पल्लेदारी की, अपने हाथों से सारा, जो कहते हैं ना ये आदमी तो भाई जो है ये मतलब समाज में जिनको ऐसा समझा जाता है कि कुछ नहीं कर सकता, तो आदमी पुरुषार्थ करे तो मैंने कहा ना भगवान और सारी दैवी शक्तियां भी उसको आशीर्वाद देती हैं। तो सबके ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद है भाई विजय सांपला जी को, और राज्य मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में भी, पूज्य मुनि जी महाराज जी का भी आशीर्वाद ले रहे हैं। तो आज अखाड़े में आपको अखाड़े वाला योग करवाया पहले तो अब आपको अगला योगाभ्यास का क्रम, जिसमें आपको कल बताया था ना मोटापा कम करने वाले योगाभ्यास, फिर मेरुदंड के लिए योगाभ्यास, मधुमेह के लिए योगाभ्यास, ये सारे योगाभ्यास होंगे। थोड़ा कपाल भाती कर लो आप, कपाल भाती तो बहुत अच्छा करते हो आप, और कपाल भाती अनुलोम विलोम तो महाराज जी भी करते, इसीलिए कपाल पर भाल पर ललाट पर इतनी तेजस्विता रहती है। प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। तो महाराज जी का थोड़ा पांच मिनट का आशीर्वाद हो जाए, आपका कपाल भाती का एक राउंड हो जाएगा, एक आवृत्ति है। भारत की यह भोर जिसमें पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज का यह पुरुषार्थ जो अत्यंत जीवंत बनाता है, ऐसी इस जीवंतता में जहां जीवन मुखर होता है, जो सुप्त जीवन है, अज्ञान में आवृत जीवन है, उस जीवन के जागरण के लिए यह सारी क्रियाएं हैं। जीवन जागृति के लिए, जीवन में चैतन्यता है, सूर्योदय से लगभग 2 घंटे 24 मिनट पहले का काल अमृत काल कहता है, इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती को छूती है उसे प्रातः काल कहते हैं, लेकिन प्रातः काल से पूर्व और निशांत के बीच का काल
निशा का अंत और प्रातः का प्रारंभ, उसके बीच का काल जो 2 घंटे 24 मिनट का काल है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। लगभग 2.5 घंटे प्रातः काल के बाद पूर्वाह्न काल, पूर्वाह्न काल के बाद मध्याह्न, फिर अपराह्न, फिर संध्या काल। संध्या और रात्रि के बीच में भी एक और काल है, उसका नाम है प्रदोष काल। और फिर रात्रि, और फिर रात्रि के बाद यानी वो निशा और निशा का अंत। तो जब निशांत होता है, निशा का अंत होता है, उस समय शैया त्याग देनी चाहिए। उस समय शैया पे न रहें हम, बिस्तर पर न रहें हम। तो ये जो 2.5 घंटे है, लगभग 2 घंटे 24 मिनट या 2.5 घंटे का जो काल है, इस काल में योगाभ्यास है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा ध्यान समाधि है, अथवा उसकी भी पूर्व की जो आरंभिक अवस्थाएं यम नियम आसन आदि, तो यह जीवन जागृति के लिए बड़ी बात है। तो ये 2.5 घंटे आपके ईश्वर को समर्पित हों, स्वयं के लिए, आत्म जागरण के लिए। पश्चिमी मनोवैज्ञानिकों ने असफलता के कुछ सूत्र बताए, तो जितना भी ये वेस्टर्न साइकोलॉजी पैरासाइकोलॉजी है उसमें 24 कारण बताए हैं फेलियर होने के, असफल होने के। उन 24 कारणों में जो पहला कारण है असफलता का, कि व्यक्ति सफल नहीं हो सका, जीवन सार्थक नहीं बन सका, जीवन सिद्धि में बाधा रही, अथवा जीवन पूरा खिल नहीं सका, पक नहीं सका, जीवन में परिपक्वता नहीं आई। तो जो महाराज जी कल पूर्णता की बात कर रहे थे, तो जीवन में जो वननेस है, पूर्णता है, वो पूर्णता नहीं आ सकेगी इस एक कारण से अगर वो है तो। तो जीवन की असफलता के 24 कारण बताए, और उनमें पहला जो मुख्य कारण है वो है प्रातः काल में न जगना। तो जो 2 घंटे 24 मिनट का जो काल है इसमें आप सोए हुए हैं और सूर्य का अभिनंदन नहीं कर रहे हैं, तो ये असफल रहेगा जीवन। ये वेस्टर्न वर्ल्ड ने, पश्चिमी मनोवैज्ञानिकों ने जो 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 केवल देह को ही सच मानते हैं, जो अत्यंत पदार्थवादी हैं, जड़वादी हैं, जो बाजार की संस्कृति है जहां मैं केवल देह के सौंदर्य और आकर्षण को ही जीवन माना, और जिनका दर्शन जीवन का केवल देह है, और जो देह के प्रदर्शन में उनसे अधिक और कौन निपुण होगा, तो उन्होंने भी ये माना है कि सोया हुआ आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो महाराज ने भारत को जगाया है, विश्व को जगाया है, तो सफलता का एक सूत्र तो यही है, अवेकनिंग इज द की टू सक्सेस, अवेकनिंग इज द की टू सक्सेस। तो ये चाबी एक हाथ में है हमारे सफलता की, और बस जगें आप। तो महाराज ने पूरे देश को जगाया है, विश्व को जगाया है, और उसमें भी कहीं ये प्राणायाम, वो ध्यान धारणाएं हो जाए, उसमें भी कहीं योगाभ्यास हो जाए, तो बात कुछ होगी। और एक एक भीतर में जगना, स्वयं में जगना, स्वयं के लिए सचेत होना, ध्यान रखना। कुछ लोग बहुत अपने लिए सिंसियर नहीं है, एक सिंसियरिटी नहीं है खुद के लिए, जो अपने लिए व्यक्ति गंभीर नहीं है, अपने प्रति सचेत नहीं है, स्वयं के अधिकारों के प्रति, सत्य के प्रति, अपनी ऊर्जा ओज आभा और अपने पूरे सकल अपने अस्तित्व के प्रति जो सजग नहीं है, उसे कौन सफल बनाएगा। तो पूज्य महाराज जी का जो उद्यम है कि अपने अस्तित्व के प्रति, अपनी सत्ता के प्रति, स्वयं के प्रति हम एक प्रतिबद्धता पैदा करें, एक खुद की कमिटमेंट हो हमारे भीतर, अपने लिए कमिटमेंट हो। तो ये जो आप कुछ कर रहे हैं ये सेल्फ कमिटमेंट है, अपने लिए आप कमिट हैं कि हमें कुछ करना है। तो आत्म विकास के लिए, आत्म जागरण के लिए, आत्म सौंदर्य के लिए ये बड़ा आवश्यक है। एक और बात कहूंगा मैं, जो व्यक्तित्व तो है, पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ये इससे बड़ा और कोई उद्यम नहीं हो सकता, जिसमें देह कांति, आपकी रूप रंग वर्ण और ये बाहर की जो चीजें हैं ये तभी खिलती हैं, इनमें तभी सौंदर्य आता है जब इसकी सेल्स एक्टिवेट हो। हमारी पूरी बॉडी में 1 ट्रिलियन सेल्स हैं, 1 ट्रिलियन सेल्स,
योगाभ्यास करने से वे सारी सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं, उनमें प्राण पहुंचने लगता है, ऑक्सीजन पहुंचने लगती है, और वो फिर वो वर्कआउट के लिए तैयार है, फिर वो काम करना शुरू कर देती हैं। तो जो योगाभ्यासी नहीं है, जो प्राणायाम करना नहीं जानते, उनकी लगभग दो जो ट्रिलियन सेल्स हैं उनमें से लगभग कोई एक चौथाई काम करती हैं, बाकी सब सोई पड़ी हैं या कि वो डीएक्टिवेटेड रहती हैं। तो ये प्राणायाम की प्रक्रिया है अपनी सारी सेल्स को जगाने के लिए। एक और बात जो पतंजलि सूत्र है, तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, जब दृष्टा अपने स्वरूप में लौट कर आता है तो वो एक बड़ी अवस्था है। दृष्टा अपने स्वरूप में लौट कर कब आएगा? जब ये एक्टिवेशन होगी। तो जो एक्टिविटी आपको बताई जा रही है और इस एक्टिविटी से ही आप ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, तो ये एक्टिविटी आपको कनेक्ट करती है ईश्वर से, ईश्वरीय गुणों से, ईश्वरीय ऊर्जा से, और फिर आप में ये जैसी कनेक्टिविटी आती है तो तीसरी चीज और पैदा होती है, उसका नाम है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी तो जैसे आप ये योगाभ्यास की एक्टिविटी करते हैं सुबह, ईश्वर से आप कनेक्ट हो जाते हैं थ्रू प्राणायाम। तो क्रिएट एक्टिविटी आपको कनेक्ट करती है ईश्वर से, उसका नाम हुआ कनेक्टिविटी, और उसका फिर परिणाम है तीसरा, वो है क्रिएटिविटी। तो आप क्रिएटिव हो जाते हैं, आप सृजनशील हो जाते हैं, तो कुछ एक अच्छी चीज आपके हाथ लगती है। तो जीवन की श्रेष्ठता उसके माधुर्य और उसके पावित्र को जगाने का यह संकल्प है। और हम पूज्य महाराज जी के कृतज्ञ हैं, हम भारतवासी हम अत्यंत कृतज्ञ हैं उनके, उन्होंने देश को जगाया है। कल मैंने एक बात कही थी, वो थोड़ा कम समझ आई होगी आपको, मैं उसे फिर से उसकी पुनरावृत्ति करूंगा कि हम महाभाग्यवान हैं भारत के लोग, हमने उस युग में जीवन लिया है जहां कोई एक जगाने वाला पूज्य योग ऋषि रामदेव जैसा महामानव आया है हमारे बीच में। उनके उपकार सच में बहुत है इस धरती के प्राणियों के लिए। मैं पूज्य महाराज जी के इस उद्यम के प्रति उपकृत हूं और अनुग्रहित हैं हम, और वो इस तरह से उनके जागरण के ये जो ये शंखनाद है, ये जो उनका अनुष्ठान है, निसंदेह मानवता पर उनका उनका ये उपकार है। उन्हें प्रणाम करते हुए मैं वो अगर अनुमति देंगे तो कर्मकांड के लिए निकल जाऊंगा। हरिओम। तो एक बार सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन पूज्य महाराज श्री का, पूज्य मुनि महाराज जी का भी एक बार सब की ओर से पुनः बहुत बहुत वंदन अभिनंदन प्रणाम। पूज्य महाराज श्री मुझे बहुत स्नेह करते हैं, और जहां अत्यंत स्नेह होता है, प्रीति होती है, अनन्य भाव होता है, फिर अपना ही स्वरूप उसमें दिखता है। तो महाराज श्री जितनी अनुशंसा प्रशंसा जितनी महिमा वो मेरी गा रहे थे, तो उन वो सारी महिमा उन्हीं को समर्पित है, क्योंकि उनको अपना ही रूप में मुझ में दिख रहा था। तो दरअसल उन्हीं की महिमा थी जो वो मुझे सुना रहे थे। वो हमारे इस संन्यास के पुरोधा हैं, वो स्वयं जागरण के पुरोधा हैं, और उनकी अत्यंत प्रीति है हम पर। बहुत बातें बताइए, एक बात बता के फिर पूरा प्राणायाम ध्यान का अभ्यास कराएंगे, फिर आज आपको सारा जो आसनों का अभ्यास है वो भी अंत में कराएंगे। सब मेरे साथ बोलिए, प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य विवेकपूर्ण एवं न्यायपूर्ण व्यवहार आचरण व पुरुषार्थ ही जीवन का सत्य है। अभी पांच शब्द और बता दिए आप। व्यवहार को लेकर के बहुत कंफ्यूजन्स, और एक बात मैं सुनता हूं अक्सर, कई लोगों के मुख से मैं सुनता हूं, पर ये आदमी व्यवहारिक नहीं है, इसको व्यवहार नहीं आता है, ये व्यवहार कैसे होना चाहिए,
तो इसके पांच शब्द बोले, कैसा होना चाहिए व्यवहार बोलो, क्या शब्द था अभी तो बोला आपने, प्रीति पूर्वक कैसा होना चाहिए व्यवहार बोलो। और प्रीति का सबसे बड़ा केंद्र क्या है, सब में एक सच्चिदानंद परमात्मा का दर्शन, मृत्यु हो स मृत्यु आपनोत ये नाना एव इह पश्यति, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यत। जो पूज्य चिदानंद जी महाराज जी में आत्मा है, जो श्रद्धामयी भगवती जी में आत्मा है, जो भाई विजय सांपला जी में, आप सब श्रद्धामयी माताओं में, पितातुल्य बुजुर्गों में, और हमारे आत्मज इन बच्चों में जो आत्मा है, वो हम सबका एक ही सर्वात्मा है, एक ही सच्चिदानंद आत्मा सब, हम सब जीवों में, सब जीवात्माओं में एक ही सच्चिदानंद परमात्मा का प्रकाश है, सब उसी की ज्योति से, उसी के प्रकाश से, उसी के आलोक से ज्योतिर्मय प्रकाशित आलोकित। तो जब सब में एक भगवान का दर्शन होगा तो सबसे क्या होगी बोलो, प्रीति। मैं जिस माँ ने जन्म दिया उसको ऐसे ही प्रेम करता हूं कि ये मेरे भगवान का मूर्त रूप है, पिता से, गुरु से, और आप सबसे। मैं आपको एक बहुत रहस्य की बात बताता हूं, मैं जब तक कोई दूसरे मंदिर में या किसी देवस्थान में लेकर के ना जाए मैं खुद नहीं जाता। इसका मतलब यह नहीं कि मैं कोई मंदिर में जाना मुझे अप्रीतिकर है, ऐसा नहीं है। मैंने क्या स्वीकार कर लिया, ऐसा हो गया कि मुझे सारे ही स्वरूपों में भगवान का रूप दिखता है, इसलिए कहीं जाने की जरूरत कहां रहेगी। पानी में मीन प्यासी रे मोहे सुन सुन आवत हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाविक सूरी बन बन फिरत उदासी, जाको ध्यान धरे विधि हरि हर मुनिजन सहस अठासी, सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी, है हाजिर के ही दूर बतावे दूर की बात निराशी, कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु बिन भ्रम न जासी रे मोहे सुर सुनिया। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। फूलों में जो सुवास ईख में मिठास है, फूलों में जो सुवास ईख में मिठास है, भगवान का त्वेश के कण कण में वास है, भगवान का त्वेश के कण कण में वास है। आनंद स्रोत बहरा पर तू उदास, टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सही, टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सही। गुरु और शास्त्र हमारे चक्षु खोलते, योग से अंदर के चक्षु खुलते। टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सही, टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सही, जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है, जिसको तू ढूंढता सदा तेरे पास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है।
कुछ तो समय निकाले आत्मशुद्धि के लिए, कुछ तो समय निकाले आत्मशुद्धि के लिए। नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, आनंद स्रोत बहरा पर तू दास है, आनंद स्रोत बहरा फिर भी उदास है। आनंद मोक्ष का न पा सकेगा तब तलक, आनंद मोक्ष का न पा सकेगा तब तलक। तू जब तलक प्रकाश इंद्रियों का दास है, तू जब तलक प्रकाश इंद्रियों का दास है। अचरज अचल में रह के भी मछली को प्यास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है।